आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया कि Q0 आवेश के साथ एक संधारित्र S से होकर स्विच S से होकर के एक प्रेरक के सिरों पर संयोजित है। ये जो है हमारे पास में संधारित्र है जो S से संयोजित होकर के किससे है, L से जुड़ा हुआ है। यदि T बराबर 0 पर स्विच बंद कर दें, जस्ट बंद कर दें मतलब जस्ट तुरंत बाद, तो संधारित्र के ऊपरी प्लेट पर तात्क्षणिक आवेश Q कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, तात्क्षणिक आवेश निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए इस पर यहाँ धनात्मक दिया हुआ है, तो यहाँ से जो धारा है वो कुछ इस तरीके से जा रही है, ऐसे करके मैं मान सकता हूँ धारा जा रही है, ठीक है बच्चों, है ना। और ये इधर से यूं करके जैसे ही हमने इसको लगाया टी बराबर जीरो पर, है ना, तो ये धारा जो है वो ऐसे करके जा रही है। तब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर लूप लो लगा दूं, है ना, लूप का नियम किसका, किरचॉफ का, वही जो केवीएल किरचॉफ वोल्ट का नियम है ना, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, मैं ऐसे करके घूमूंगा तो यहाँ पर जो कितना है भाई, तो यहाँ पर v बराबर भाई q बराबर cv होता है, q बराबर कितना होता है cv, तो v बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा q बटे c, ये हो जाएगा। तो ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर मैं मान लीजिए ये कितना हो जाएगा q बटे c, फिर जब इधर की तरफ में चलेंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है इसके सिरों पर वो कितना होता है, वो विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है वो होता है माइनस का एल डी आई बटे dt होता है, है ना, और ये बराबर कितना हो जाएगा, जीरो के हो जाएगा। यही तो हमारा किरचॉफ वोल्टता का नियम कहता है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, q बटे c तो ऐसा कैसा ही है ना, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, प्लस l, है ना। और di बाई dt को क्या लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ d2q/dt2, यानी कि dq/dt तो i होता है, फिर i का एक और बार कर दिया तो ये dq/dt, तो d2q/dt2 ये बराबर आ जाएगा मेरे पास में जीरो। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो बच्चों इस चीज को, मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, अगर मैं नीचे पूरे में एल 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 से गुणा कर दूं तो ये मेरे पास में कितना बचेगा, ये एल सी प्लस डी टू क्यू बटे डी टी स्क्वायर, ये बराबर जीरो। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो बच्चों तो ये किसकी समीकरण है, यह जो हमारी सरल आवर्त गति की समीकरण है, सरल आवर्त गति की समीकरण है ना, समीकरण है। तब सरल आवर्त गति में जो ओमेगा बराबर होता है, ओमेगा बराबर वो कितना होता है, वो होता है अपने पास में 1/√LC, यही तो होता था। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जब आवेश जो है वो सरल आवर्त गति अगर करेगा तो मेरे पास में कितना हो जाएगा, टी बराबर जीरो पर जो क्यू बराबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्यू नॉट हो जाएगा, है ना, टी बराबर जीरो पर क्यू नॉट हो जाएगा। तब जो समीकरण होती है हमारे पास में वो कौन सी होती है, ध्यान से देखिए बच्चों, Q बराबर जो होती है वो कितना हो जाएगा, Q नॉट, और वो जो हो जाएगी समीकरण जो हो जाएगी cos ओमेगा t, यही तो होती है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर ओमेगा का मान रख दूं तो ये मेरे पास में देखिए ध्यान से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में Q नॉट, है ना, और ये आ जाएगा मेरे पास में cos ओमेगा का मान मैं रख देता हूँ और टी का मान रख देता हूँ, यानी कि टी तो ऊपर की तरफ रह जाएगा बटे नीचे की तरफ में क्या आ जाएगा मेरे पास में √LC, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जो हमारे पास में आवेश का मान आ जाएगा, अच्छा मैं इसको अगर साइन की टर्म में बदल दूं तो क्यू बराबर जो आ जाएगा वो बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में क्यू नॉट, है ना, और इसको साइन में अगर करूंगा तो π/2 का बदलाव आ जाएगा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ t/√LC और प्लस के कितना आ जाएगा π/2, 90° का बदलाव आ जाएगा। तो यही बच्चों हमारा उत्तर होगा, इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है बच्चों। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।